अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी मैं अपना ब्लॉग आज अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं ब्लॉग में आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आज मैं तैयारी करने वाली हूँ क्योंकि आज हमें निकलना है। कल अर्ली मॉर्निंग हमारा ट्रेन है, आई थिंक 3:30 बजे के आसपास, तो हमें आज रात में ही निकलना है। 1:30 बजे के आसपास निकलेगी, क्योंकि स्टेशन थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से। तो दिखा लेती हूँ कि मैंने क्या बहुत सारी शॉपिंग की है। तो कुछ मैंने पैक कर दिया है, कुछ मैं लाडो रानी पहनेंगी तो दिखाऊंगी, और कुछ जो मेरे पास अभी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने लाडो रानी के लिए भी शॉपिंग बहुत की है, अपने लिए भी बहुत की है। तो चलिए वीडियो बनने का, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को एडिट करके मैं फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी जो कि हमारा सफर का होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो मम्मी ने अपने लिए ये साड़ी ली है, और ये साड़ी ना दोस्तों बहुत प्यारा साड़ी है। मतलब मैं ऑनलाइन साड़ी देख रही हूँ इसमें का, लेकिन ऑनलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत ऑफलाइन जो मैं साड़ी खरीदी हूँ ना शॉप से, बहुत ही प्यारी है। और कपड़ा इसका इतना सॉफ्ट है कि क्या ही बताओ, मतलब लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी सीक्वेंस की वर्क है ना पीछे ना आगे, बहुत ही प्यारा है। तो कुछ इस तरह इसका लुक है, ये देखिए सही एकदम बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। ये बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, और इसे मैं ना मतलब कहाँ जा रही हूँ तो ये तो आप लोगों को पता चलेगा, तो इसे मैं पहनने वाली हूँ। अनुमाना अंदाज गेस लगा लिए होंगे, गेस कर लिए होंगे, क्योंकि आपको मेहंदी कलर की साड़ी दिख रही है तो आपको पता चल गया होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट मेरा साड़ी, दूसरा है ये साड़ी जो कि मेहंदी कलर की मैं ली हूँ। और ये भी ना मुझे औसत कॉस्ट ना मतलब बहुत ही अच्छा कॉस्ट है, मैं सुहागन मॉल से लेती हूँ, साक्षी में जो सुहागन मॉल है वहाँ से साड़ी लेती हूँ। तो वहाँ पे ना मुझे कॉस्ट भी अच्छा इसका पड़ा, और साड़ी तो बेस्ट है। तो ये अगेन है मेहंदी कलर की साड़ी, मेरे पास एक थी तो पुरानी हो चुकी, तो मैंने एक और नया, ये सिल्क की है, और ये साड़ी ना तसर सिल्क की साड़ी है। और ये भी गाइस इतना पतला कपड़ा है ना, सॉफ्ट है कि लगेगा नहीं सिल्क जैसा। तो मुझे ऐसे ही सॉफ्ट कपड़े की साड़ियाँ अच्छी लगती है। और ये सबका ब्लाउज जो है सिलने को मैं दी हूँ, अभी आया नहीं है, अगर सिल के आएगा तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने ब्लाउज सा कैसे सिलवाया है। और ये रहें तीसरी साड़ी जो कि सबको पसंद आती है, ये कलर येल्लो। और ये भी साड़ी दोस्तों इतनी प्यारी साड़ी है कि मैं साड़ी अपने लेने नहीं गई थी, बट जब ये साड़ी मैं देखी तो मुझे इतनी पसंद आई ना कि मैं ये उल्टा है, अभी ये सीधा नहीं है, यहाँ अंदर से ऐसे है इसका वर्क, ऐसे पान का पत्ता जैसा बना हुआ है, रेशम का वर्क है, उसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए हैं जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं वो। और ये सच में देखिए कितनी पतली, आप लोग देख सकते हैं पारदर्शी जैसा दिख रहा है, पारदर्शी जैसा दिख रहा है, मेरी उंगली दिख रहा था, बहुत पतली साड़ी है, बहुत लाइट वेट है। तो इसका इस पे ना ब्लाउज है, लेकिन मैं इसका ब्लाउज नहीं निकाली हूँ क्योंकि साड़ी प्लेन था, तो मैंने प्लेन कुछ अच्छा सा ब्लाउज बनवाया है इसके लिए, तो वो सब मैं दिखाऊंगी। तो मैंने ये तीसरी साड़ी अपने ले लिया है, और ये भी साड़ी मुझे बहुत पसंद आया है दोस्तों। यहाँ पे हुई है पर्स की शॉपिंग, और ये मेरी मम्मी ने अपने लिए पर्स लिया है, अब आप भी कुछ बोल दो। तो अभी ये पर्स मैंने लिया, मेरे पास पर्स था लेकिन मैं कुछ सोचा कि नया लूंगी, और एक अगेन और पर्स लिया है, ये वाला मेरे लिए है। और ये पर्स मैं ली हूँ लाडो रानी के लिए, क्योंकि लाडो रानी को ही मैं पर्स अपना देती हूँ टांगने के लिए, क्योंकि मुझसे होता नहीं और बिना पर्स का तो हमारा काम चलता नहीं है, मोबाइल फोन पैसे वगैरह। तो ये पार्टी वियर पर्स है, तो इसलिए मैंने इसके लिए ली हूँ कि ये अपना जो भी ड्रेस में लुक में रहेगी ना, लहंगे वगैरह में भी, तो ये बहुत अच्छा चलने वाला है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, मतलब ये देखिए। और ये ना बहुत, ये जो है चैन ना बहुत मजबूत है, तो इसमें कुछ इस तरीके से इसका अंदर का लुक दिखाती हूँ आपको, देखिए कुछ इस तरीके से है। तो आपका दो मोबाइल पैसे और रुमाल तो खूब अच्छे से आ जाएंगे। तो ये और ये आजकल ये ऐसा पर्स ट्रेंड में चला हुआ है, लाइक इसे बॉक्स पर्स भी कहते हैं। और ये है मेरा इधर से ले जाने के लिए पर्स, ये देखिए लाडो लाने के लिए मैंने एक मोजड़ी लिया है, जो कि इनको लहंगा पे या गाउन पे जिस पे पहनना चाहेंगी तो ये मोजड़ी पहनेंगी। और कैसा सामान मेरा लग रहा है आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये देखिए लाडो रानी के लिए मैंने एक पैंट लिया है जो कि कॉटन का पूरा है, और नीचे में कुछ इस तरीके से नेट पर वर्क है, और स्ट्रेचेबल है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। तो मैंने एक उनके लिए पैंट लिया है, एक मैंने अगर ये उनके लिए फ्रॉक लिया है, ये मिनी फ्रॉक जो फ्रॉक आ रहा है ना, मिडी फ्रॉक जैसे आप जीन्स वगैरह पहन सकते हैं। तो कैसा लग रहा है कॉमेंट में सबका जरूर आप लोग रिप्लाई, काफ्तान ले ली इनको पसंद आ गया तो जीन्स पे बहुत अच्छा लगेगा। ये काफ्तान है, तो ये काफ्तान है सफर में आने जाने के लिए ना, बहुत लाइट वेट है, या गर्मी में लाइट वेट कपड़ा पहनने के लिए बहुत। तो ये है कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग मेरी मम्मा ने की है। तो एवरीवन ये देखिए, ये है नेकलेस, एक ये गला चिप नेकलेस है, यानी क्या बोलते हैं चोकर सेट में है, और सब में इयररिंग है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये सब सिकड़ी गोल्ड एक आता है उसका। ये लाडो रानी के लिए नेकलेस है, और इसमें कान में कथा बट वो निकाल दी, लाडो रानी के लिए मांग टीका है जिसका सेट बन जाएगा। एक ये चैन है, और एक अगर ये चैन चला हुआ है बहुत बाहुबली, तो ये चैन मैंने लिया है। इसके बाद से ये देखिए मैंने ये इयररिंग्स लिया है, ये है लाडो रानी के लिए इयररिंग्स, देखते हैं उसे भी चलेगा मस्त है। और एक इयररिंग ये है, उसके बाद मैंने ये देखिए झुमका लिया है दोस्तों, और ये सब जो क्या बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड होता है ना, वो सब का ये है।
तो जैसे गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ होता है ना, वो गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। ये देखिए मैंने झुमका लिया है बिल्कुल, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से झुमका है दोनों। और एक ये मंगलसूत्र लिया है मैंने जो कि लंबा है। तो ये सब मैंने इसलिए दोस्तों लिया है कि मैं जहाँ जा रही हूँ ना, मुझे ट्रेन में सफ़र करना है, तो मैं गोल्ड लेके नहीं जा रही हूँ इस बार, कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ। तो मैं अपने गाड़ी से गई हूँ तो गोल्ड लेके गई हूँ, लेकिन मैं ट्रेन में सफ़र करने वाली हूँ, दिन का सफ़र है। और ये लाडो रानी के लिए मैंने चूड़ी ली है जो कि ये लहंगे पर पहनेंगी, तो इसलिए मैंने ये सारा गोल्ड ले लिया है कि मुझे मतलब गोल्ड लेके नहीं जाना है। तो मैंने सारा गोल्ड इसलिए खरीदा है सिटी गोल्ड का, जिससे कि हमारा पार्टी में हम पहन सकेंगे और हम अपना सेफ भी रहेंगे। तो इसी वजह से रहता। कैसा इनमें से सब लगा आपको ये जरूर हमें बताइएगा। और एक कान का मेरा और है जो मैं पहन के जाने वाली हूँ, वो भी मैं ली हूँ, वो भी बहुत ही प्यारा है। और मुझे सच में दोस्तों ये झुमके जो है ना बहुत प्यारे लगे, कोई कहेगा कि मतलब सोना नहीं है, तो इसलिए आप लोग भी ये सब ले सकते हैं। ये हमारे देखो, और ये हमारे ना दोस्तों लोकल मार्केट हमारे साक्षी में ही मिला है, तो आप लोग चाहें तो जाके साक्षी से ले सकते हैं, जो भी लोग जमशेदपुर से होंगे। तो मैंने वहीं से सब लिया है क्योंकि मुझे इस बार गोल्ड लेकर नहीं जाता। मेरे पास गोल्ड की सारी ज्वेलरी है, आप लोगों ने रील्स में या छठ पूजा में इसीलिए मैंने ये सारे गोल्ड के लिए हैं, इसलिए कि मुझे गोल्ड लेके नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गोल्ड का सारा ही मतलब जो जेवर होते हैं ना, सारा ही गोल्ड के हैं। आप लोगों ने छठ पूजा में देखिएगा, मैं प्योर गोल्ड ही पहनती हूँ, ओरिजिनल वाला जो होता है वही पहनती हूँ। तो मेरे पास गोल्ड के सारे मतलब ज्वेलरी हैं, बट मैं नहीं लेके इस बार जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है ट्रेन से सफ़र करना है। आजकल ट्रेन में चोरी बहुत हो रही है, तो इसे मैंने ये मंगा लिया, वैसे भी पैसा मेरा अच्छा खासा लगा है, मैंने लिया है तो यही हम लेके जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये जिसके लिए है मैं बाद में बताऊंगी। और एक सूट भी है, तो ये भी ना साड़ी जो है ना तसर सिल्क की साड़ी है, देखिए। और ये साड़ी कैसी लगी आप लोगों को बताइए, जो इसके साथ एक सूट भी है तो आप लोग शायद अंदाजा लगा लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए, क्योंकि अब तक तो आप लोग जान ही जाएंगे ये ब्लॉग बहुत पीछे जाने वाला है। तो मैं जा रही हूँ अपनी भतीजी की शादी में पटना, और पटना होटल से शादी हो रही है, तो उसको मैं देने के लिए ये साड़ी खरीदी हूँ। और एक तसर सिल्क का सूट भी है जो कि मैं ट्रॉली खोलूंगी तो दिखाऊंगी, वो ट्रॉली में रख दी हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये साड़ी है और मुझे तो बहुत प्यारा लगा, आप लोग कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और इसका आंचल इस तरीके से है, देखिए इसका पल्लू जो होता है ना ये तरीके से है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। और इसका ये है, और सिंगार का सामान भी ली हूँ तो वो सब ट्रॉली में है, तो उसको तब दिखा दूंगी आपको बाद में। और गाइस, हम माँ बेटी पहली बार ये फेक नेल्स ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि शादी में जा रहे हैं और नेल्स थोड़े बड़े तो होने चाहिए। तो ये मैं भी ली हूँ और मेरी मम्मी भी ली है अपने आप। दिखा दिया, कुछ ज्वेलरी दिखाती हूँ जो मैंने खरीदा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाऊंगी आपको ये क्या बोलते हैं, नाक का दिखाऊंगी। मैंने नाक के लिया है, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ, फुल्ली नोज पिन बोलते हैं, हाँ नोज पिन। तो मैंने ये नोज पिन लिया है दोस्तों, तो ये देखिए मैं तीन नोज पिन अपने लिए ली हूँ। ये देखिए एक ये है, ब्लर हो रहा है, देखिए बहुत प्यारा सा डिजाइन है, कैमरा में मतलब साफ नहीं दिख रहा। देखिए ये बहुत प्यारा, मुझे ना घुंघरू वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक ये है और एक जो है ना मोर का डिजाइन है, ये देखिए ये है। और लाडो रानी के भी ली हूँ तो लाडो रानी को पहना दी हूँ तो दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे ये मेरे दो नोजपिन हैं इसमें, और एक मैं नथुनी ली हूँ, तो ये देखिए ये है नथुनी। और नथुनी का भी डिजाइन ना सच में दोस्तों बहुत ही प्यारा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं ऐसे ही शुरू से खोज रही थी कि जो यहाँ पे गोल हो नाक के, जो मतलब ये होते वहां, और ये ऐसे हो तो ऐसे नग वाला है, तो बहुत ही प्यारा है। मैंने एक नोजपिन लिया है कुछ पहले, तो अब इसमें देखते हैं क्या है। और इसमें मैंने लिया एक अपने लिए पायल, नहीं हाँ यही है, हाँ ये आपका है। तो इसमें मैंने लिया एक अपने लिए पायल, और इसका देखिए वाव, ये देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन है ना। तो ये मैंने अपने लिए एक पायल लिया है जो कि ऐसे नग है बीच बीच में, और मुझे थोड़े से मैंने घुंघरू वाले पायल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के, ज़्यादा नहीं। तो ये एक मैंने लिया है, अब यही पहन के मैं जा रही हूँ और यही मैं पहनने रह जाऊँगी क्योंकि मैं दो चार लेके। और एक और पायल ली हूँ फ्रेंड्स, तो ये मुझे गिफ्ट देना है किसी को, दूंगी तो जब मैं बताऊंगी मैं किसको दूंगी तो बता ही देती हूँ, क्योंकि जब दूंगी तो वीडियो बहुत पीछे जाएगा। तो ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सा प्रीटी सा पायल है, एकदम छोटा सा, देखिए देख सकते हैं ना डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये मैं मेरी भतीजी है, उसको बेबी हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, और शायद एक साल की हो भी गई, तो मैं उसे पहली बार मिलूंगी, तो मैं उसके लिए कपड़ा नहीं लूँ क्योंकि मुझे उसका साइज का पता नहीं है ना कि मतलब कैसी होगी कैसी नहीं। तो मैं उसे उसके लिए पायल ली हूँ, और कपड़े को मैं मतलब पैसा दूंगी ताकि वो कपड़ा ले लेगी, और ये उसी के लिए मैं पायल ली हूँ, उसको पायल दूंगी। उसके पैरों में बहुत ही अच्छे लगेंगे छोटे छोटे से पायल,
और एक पायल और आपको इसी वीडियो में दिखा रही हूँ मैं, सोची कि इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो मेरी बहन ने, यानी नंदिनी की मौसी ने नंदिनी के लिए पायल भेजा था मुझे, रक्षाबंधन का गिफ्ट था ये, पायल था और 1000 रुपया था कपड़ा के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है, अगर बड़ा होता तो सच में मैं यही ले लेती, पहन लेती, लेकिन फिर बोली कि नहीं, नंदिनी को मौसी बड़े प्यार से दी है, तो इसलिए देखिए भी बहुत ही प्यारा सा है। मैं दोनों के साथ दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पायल का डिजाइन है दोस्तों, ये देखिए, वीडियो में अच्छा से नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है ये देखिए। तो ये नंदिनी के लिए है, तो ये नंदिनी पहन के, ये भी नंदिनी पहन के चलेगी।